एआयएमआयएम पक्षाचे अध्यक्ष आणि खासदार हैदराबाद बॅरिस्टर अझदुद्दीन ओवेसी यांच्या निर्देशांवर एआयएमआयएम पक्षाचे सोलापूर शहर जिल्हाध्यक्ष फारूक शाब्दी आणि एमआयएम गुलबर्गा नेते इलियास बागवान शेठ यांच्यासह गुलबर्गा महापालिका निवडणूक 2021 प्रचार करण्यात आला। आज वार्ड नंबर 21 में गुलबर्गा कॉरपोरेशन इलेक्शन के प्रचार के मौके पर यहाँ आए हुए हमारे गुलबर्गा नॉर्थ के इंशाल्लाह भावी उम्मीदवार और आने वाले वक्त के नेक्स्ट एमएलए अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह तो इलियास बागवान साहब, हैदराबाद के एक्स कॉरपोरेटर ख्वाजा बिलाल साहब, सोहेल कादरी साहब और यहाँ के उम्मीदवार अजहर मुबारक साहब और मेरे सामने बैठे हुए तमाम मेरे नौजवान भाई और बुजुर्गों। तो अब मैं भी यहाँ सोलापुर से आया हूँ। सोलापुर माशाल्लाह यहाँ से काफ़ी करीब एक शहर है। आप सब लोग मैं जानता हूँ सोलापुर में कई लोगों का ननिहाल यहाँ है, ससुराल यहाँ है, यहाँ के लोग वहाँ के लोग यहाँ रिश्तेदारी बहुत है समझो। तो उसी वजह से इलियास भाई के साथ भी हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात थे। मैं भी मजलिस का एक छोटा सा सिपाही हूँ, मैं पिछले इलेक्शन में वहाँ पर लड़ा था और हमारे भी ताल्लुकात काफ़ी है। तो इलियास भाई की और हमारे सदर साहब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऑर्डर्स के ऊपर मैं यहाँ प्रचार करने के लिए आप लोगों के बीच आया हूँ। तो सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ये मेरे लिए नहायत ही खुशकिस्मती की बात है कि मैं मजलिस का काम करने के लिए, मजलिस के लिए वोट जमा करने के लिए अल्लाह ने मुझे चुना है कि मैं आप लोगों के बीच आके मैं आप लोगों को मना सकूं या आप लोगों को इल्तिजा कर सकूं कि आप मजलिस के जो उम्मीदवार है सोलापुर कॉरपोरेशन के जितने भी उम्मीदवार हैं उन सबको अपने वोटों से अपनी दुआओं से सरफराज करें और उन्हें कामयाब करें ताकि आने वाले वक्त में ये कॉरपोरेशन इलेक्शन एक ऐसा इलेक्शन है जो किसी भी पार्टी का जिसको हम फाउंडेशन बोल सकते हैं। अगर हमारा फाउंडेशन मजबूत रहा तो हम इसके ऊपर कितनी भी बड़ी इमारत बना सकते हैं। तो ये एक सबसे पहला मौका है कि अगर हमें हमारे सोलापुर हमारे गुलबर्गा शहर में अगर हमारी कयादत को मजबूत करना है, जैसे कि सोहेल साहब ने अभी बताया कि एक बुलंद आवाज हमारे गुलबर्गा शहर में कमरुल इस्लाम साहब के नाम से यहाँ पर मशहूर थे माशाल्लाह, अल्लाह उनकी मगफिरत करे, अल्लाह उन्हें जन्नत में आला से आला मुकाम नसीब करे। लेकिन उनके विसाल के बाद, उनके जाने के बाद ये जो एक वैक्यूम भर गया है यहाँ पर गुलबर्गा शहर में, यहाँ जो एक कयादत की जरूरत है वो हमारे बीच में नहीं है अभी। वो सबसे अच्छा ऑप्शन हमारे लिए हमारी कौम की तो सिर्फ एक ही बंदा है जो बेबाकी के साथ बगैर डरे बगैर झिझके अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के सिर्फ और सिर्फ वो बंदे असदुद्दीन ओवैसी साहब है जो हमारे हक की आवाज बन के पार्लियामेंट में आवाज उठाते हैं। तो अगर वही तरीके का काम हमको हमारी गलियों का काम कराना है तो जैसा लीडर हमारा है वैसे ही उसके सिपाही होंगे, यही भरोसे के साथ हम लोगों को मजलिस के उम्मीदवारों को जिताना है। तो मेरी आपसे ये अदबन गुजारिश है कि आने वाली 3 तारीख को जिस दिन वोटिंग है तो हमारे जो उम्मीदवार है नौजवान माशाल्लाह यूथ को देखकर मुझे बहुत खुशी होती है कि नौजवान लोग भी इलेक्शन में आना चाहिए। इनके एक जोश, इनका जो जज्बात होता है बहुत सपोर्ट कर लिए बुड्ढे लोग। अब सबको खुदा हाफिज करने का टाइम है, ये ऐसे नौजवान लोगों का साथ दीजिए, इनके साथ साथ पार्टी के साथ साथ खुद को भी मजबूत करिए। तो आने वाली 3 तारीख को अपने घरों से निकलिए ज्यादा से ज्यादा तादाद में। आप तो वोट देना ही देना, आपके घर वालों के साथ वोटिंग बूथ पर जाइए, आपके पहचान वालों में आपका प्रचार करिए। हमको ये समझना है कि हम सब अजहर मुबारक है, हमको ये समझना है कि हम सब असदुद्दीन ओवैसी है, हम सब अकबरुद्दीन ओवैसी है, हम सब मजलिसी सिपाही है, तभी हम लोगों को इंशाल्लाह जीत हासिल होगी। बस अल्लाह से दुआ करता हूँ कि 3 तारीख को आप सब लोग घरों से निकले ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट दे और आने वाली 6 तारीख को शायद रिजल्ट है, 6 तारीख को रिजल्ट है, अल्लाह पाक उस दिन हम सबको जश्न मनाने का मौका दे। आप सब यहाँ पर आए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, अल्लाह हाफिज। जो बन सकती है वो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी और वो है हमारे जनाब इलियास बागवान साहब, लेकिन इनका इलेक्शन बाद में है।
अगर हमको इनको जिताना है तो हमको हमारे पाये को मजबूत करना बहुत जरूरी है। तो ये जो पाया मजबूत करने का काम है वो ये आज चल रहा है माशाल्लाह। मैं ये समझता हूँ कि जहां पर भी मजलिस के उम्मीदवार है वो मजलिस के उम्मीदवार की खुशकिस्मती नहीं है, ये हम जैसे लोगों की वहां के वोटरों की खुशकिस्मती है कि आपके दरमियान मजलिस पार्टी आई है जिससे आप लोगों को एक सुकून लग सके कि आज तक हम लोगों ने, जैसे कि हमारे अभी स्पीकर साहब ने बताया कि 70 सालों से हम लोगों को मौका देते हुए आए, वो भले कांग्रेस हो, जेडीएस हो या जो भी पार्टी हो, लेकिन बदले में हमें सिर्फ और सिर्फ रुसवाई का सामना करना पड़ा। वोट हमारे लिए गए लेकिन हमारी बातें नहीं की गई, हमारे हक के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ, हमारे वोटों से चुनकर आकर इख्तदार में आने के बाद कल के दिन जाके पार्टी बदल के उनकी सत्ता बना देते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ धोखा ही मिला है। बदले में हम लोगों को अगर मिला है तो हमारे इलाकों में कच्ची सड़कें, पानी के प्रॉब्लम, कॉरपोरेशन के स्कूल हमारे पास नहीं है, हमारे बच्चे अनपढ़ रहते हैं, हम लोगों को बेरोजगारी मिली है। अगर हम सबको वाकई में इन सारी चीजों से अगर निजात पाना है, हम सबको इन चीजों से छुटकारा चाहिए, तो हमें सिर्फ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का हाथ पकड़ना है और इस पार्टी को मजबूत करना है। जैसे कि आप सब लोग देख रहे होंगे कि आज अगर पार्लियामेंट में मुसलमानों की हक की बात हो, दलितों के हक की बात हो या किसी भी मजलूम के हक की बात हो, तो सिर्फ एक ही बंदा है जो बेबाकी के साथ